नमस्कार भाई साहब। भाई साहब अभी तक तो हम लोग कोरोना से परेशान थे कि नहीं परेशान थे, अब कोरोना हम लोगों से परेशान है, सच्ची बता रहे। अरे कोरोना मिल गया, कहने लगा भाई साहब ये बताइए ये क्या चल रहा है, कोरोना की तो कोई इज्जत नहीं है। बिहार से लेके हैदराबाद से लेके बंगाल तक इतना रोड शो, इतना रैली, इतना लाखों लोग हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, ये कोरोना की इज्जत है? हम ऐसे नहीं खेलेंगे, हम भाग जाऊंगा किसी दिन छोड़ के। अबे हमने कहा ये कोरोना रुक जा, ज़्यादा बड़ी बड़ी बात मत कर, समझा, इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं। अबे कितनी इज्जत चाहिए तेरे को, मैं बता रहा हूँ। भले लोग रैली में, धरना में, प्रदर्शन में, रोड शो में बिना मास्क वास्क के घूम रहे हों, लेकिन अभी भी गलियों में बिना मास्क वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, जुर्माना वसूला जा रहा है। अबे ये तेरी इज्जत नहीं है तो और क्या है तेरी, हुँ? और वो क्या नाम उसका, हाँ, आरोग्य सेतु ऐप, ये ऐप किसने बनाया, ये ऐप किसने किया, क्यों किया, इसका क्या मतलब है, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट में और कई जगह ये आरोग्य सेतु ऐप के बगैर आपको घुसने को नहीं मिलेगा। अबे कोरोना ये तेरी इज्जत नहीं है तो और क्या है, और कितनी इज्जत चाहिए तुमको, बात करता है। और इस कोरोना का जितना नाटक है ना, जितने नखरे हैं, आज सब बता रहा हूँ आपको, इतना नखरे वाला है ये कोरोना, बोलता है कि ओला में आगे वाली सीट पे बैठूँगा। आप बताइए इसके चक्कर में ओला वाले आगे की सीट खाली रखते हैं। अच्छा ओला में आगे वाली सीट पे बैठूँगा, फ्लाइट में बोलता है बीच वाली सीट में बैठूँगा। अब उसके चक्कर में बीच वाले लोग बेचारे वो पीपी वाला कोट वोट पहन के बीच में बैठते हैं, इतने नखरे। बोलता लोकल ट्रेन में नहीं बैठूंगा, अब लोकल ट्रेन चला नहीं रहे क्योंकि कोरोना बैठेगा नहीं उसमें, इतने नखरे तेरे एक एक नखरे बता रहा हूँ मैं। भाई कुछ लोगों को जो म्यूज़िक पसंद होता है ना, वायलिन, गिटार, बांसुरी, तो लोग बोलते हैं वायलिन बजाओ, गिटार बजाओ, बांसुरी बजाओ, इसके नखरे तो को बोलता है थाली बजाओ, हैं ताली बजाओ, ये इसके नखरे। अच्छा गब्बर सिंह जो था, गब्बर सिंह पूछता था कि होली कब है, होली कब है, फिर जिस दिन होली होती थी उसी दिन इंजॉय करता था। ये कोरोना ये नालायक बोलता होली कब है, दिवाली कब है, हमको इससे मतलब नहीं है। आज के आज तुम लोग दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ और दिवाली मनाओ। इस कोरोना के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, बड़ी बड़ी बातें करता है कोरोना, औकात में रहना कोरोना, अभी मुंह मत खुलवाना। अच्छा कोरोना सामने से बोला अच्छा तुम लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे, ऊपर से मेरे से जबान लड़ा रहे। हमने कहा रुक जा, वैक्सीन आने दे, फिर तेरे को तेरी औकात दिखाऊंगा। ला आने दे वैक्सीन, ऐसे ही सब चलता रहा, मैं वैक्सीन के पहले भाग जाऊंगा मैं, तुम अपनी वैक्सीन रखे रहना, फिर देखूंगा वैक्सीन किस काम आएगी, किसके ठोकोगे। मैंने कहा सुन, सरकार को चैलेंज मत कर, ये राष्ट्रवादी सरकार है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होने देगी। अबे कोरोना तू चला जाएगा तो भी वैक्सीन बेकार नहीं होने देंगे, कांग्रेसी तो है ना उनके ठोकेंगे, देशद्रोही है ना उनके ठोकेंगे, पाकिस्तानी, हाँ वो तो है ही है, पाकिस्तान से ज़्यादा तो आजकल पाकिस्तानी यहाँ पर हैं, उनके ठोकेंगे, खालिस्तानियों को ठोकेंगे। सरकार किसी भी चीज़ को बेकार नहीं जाने देती, ये अलग तरीके की सरकार है। सरकार ने तो बेरोजगारों को बेकार नहीं जाने दिया, करोड़ों बेरोजगारों को भक्त बना करके काम पे लगाया हुआ है, बेकार जाने दिया? अरे भैया हमारे यहाँ तो गोबर तक को बेकार नहीं जाने देते हैं, कुछ लोग तो ऐसे दिन रात गोबर खा रहे हैं, कुछ लोग दिमाग में गोबर भरे हुए हैं। तो ये सोच रहे हो ना कि भाग जाओगे तो वैक्सीन का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, है? और कोरोना तूने इतना धोखा दिया, है? मैं मतलब आम आदमी बेचारा अकेले जा रहा है, फिर भी मास्क लगा के जा रहा है दूध लेने, और लौट के आता है तो घर वाले चार बाल्टी से नहला रहे हैं, दिन में 14 बार हाथ धुलवा रहे हैं, 28 बार हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं, इसके बाद में भी हमारे बगल वाले चाचा को कोरोना हो गया, जो तो जानते हो कोरोना क्या कह रहा है मजाक में, अच्छा तुम खुद ही बेवकूफ़ हो जो इतना सब करते रहे, हाथ धोते रहे, सैनिटाइज करते रहे, नहाते रहे, धोते रहे, साफ सफाई पर ध्यान देते रहे, हैं तो मरोगी। अरे एक बार अमित शाह जी वाली रैली ट्राई कर लेते, कुछ नहीं होता, देखो इतना बड़ा रोड शो किसी को हुआ, हैदराबाद में कितना बड़ा रोड शो हुआ, किसान का धरना अटेंड कर लेते, देख रहे हो कितने लाखों बैठे हुए, कुछ हुआ? हमने कहा यार ये कोरोना के मुंह कौन लगे यार, धत तेरी कोरोना की, बहुत हुआ सम्मान तेरा।